अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं होममेड पैन पिज़्ज़ा, जिसके लिए हमने दो पिज़्ज़ा रोटी लिए हैं। टॉपिंग के लिए हमने एक शिमला मिर्च, एक प्याज जिसे बारीक काट लिया है, थोड़ी सी चिकन ली है, चिकन को मैरिनेट करने के लिए थोड़ा सा लहसुन, नमक और लाल मिर्च पाउडर लिया है, ऑरिगानो लिया है हमने, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। हमने चीज़ के क्यूब्स लिए हैं, मस्का और टमाटो केचप लिया है। चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे, मिर्ची पाउडर, नमक, लहसुन का पेस्ट, इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। पैन गरम हो चुका है, इसमें हम थोड़ा ऑयल डालेंगे। हमारा ऑयल गरम हो चुका है, इसमें हम चिकन के क्यूब्स डाल देंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, इसे हम अब निकाल लेंगे। आइए, पिज़्ज़ा के दोनों साइड हम मस्का लगा लेंगे और इसे दोनों साइड से हल्का सा फ्राई कर लेंगे। एक तरफ हमारा फ्राई हो चुका है, अब हम इसे दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। पिज़्ज़ा की हम टॉपिंग कर लेते हैं, इसमें मस्का लगाएंगे। टमाटो सॉस, इसके ऊपर हम शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज, चिकन के पीसेस रख देंगे हम, ऑरिगानो डाल देंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे हम। अब इस पे हम चीज़ ग्रेट कर लेंगे। देखिए, पिज़्ज़ा की टॉपिंग हो चुकी है, पैन हमारा गरम हो चुका है, पिज़्ज़ा इसमें डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। देखिए, पिज़्ज़ा हमारा बन चुका है, हमारा पिज़्ज़ा बन के तैयार हो चुका है। आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।